चलिए चैप्टर 8.4 क्वेश्चन 4 को देखते हैं। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यानी सबसे पहला नंबर है 9 6² a - 10² a बराबर है, इन सब के बराबर होगा, इन चारों में से किसी में से बराबर होगा, वो हमें निकालना है कि वो किसके बराबर होगा। तो सबसे पहला नंबर है 9 6² a - 9 10² a। तो यहाँ पे जो 9 9 है कॉमन आ रहा है, तो 9 बच गया यहाँ पे, 6² a - 10² a। तो 9 इंटू 6² a से माइनस करेंगे 10² a को, तो 1 होगा, पहले भी मैंने बताया है। तो 9 इंटू 1 हो जाएगा 9। यानी जो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, यानी बी। फिर दूसरा क्वेश्चन है 1 10θ + 6θ, फिर 1 cot θ - cosec θ। तो ये किसके बराबर है वो निकालना है। तो 1 10θ को अब हम लोग लिख सकते हैं साइन बटे कॉस, इस पॉइंट को भी आप लोग को याद रखना होगा। सेक थीटा को 1 cos, पहले मैंने बताया कि सेक थीटा को 1 cos θ लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे 1 cot θ को cos θ / sin θ। जैसे यहाँ 10θ को sin θ / cos θ लिखे, वहीं cot θ को cos θ / sin θ, यानी 10 के उल्टा होगा cot θ का मान। फिर यहाँ cosec θ को लिख सकते हैं 1 sin θ। ये पॉइंट मैंने पहले बताया था। तो देखिए ये a + b × a + b के फॉर्मूला में आ रहा है कुछ। सबसे पहले तो लॉस और ले लेंगे, इसमें क्या होगा cos θ, और यहाँ पे भी cos θ है तो हो जाएगा cos θ। यहाँ पे होगा cos θ + sin θ + 1। यहाँ पे लॉस और लेंगे तो आएगा sin θ, तो sin θ + cos θ - 1। तो देखिए यहाँ a + b × a + b के फॉर्मूला में आ रहा है cos θ + sin θ + 1, sin θ + cos θ - 1। ये +1 - 1 को हम लोग बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि cos θ + sin θ, sin θ + cos θ, यानी a + b × a + b के फॉर्मूला में आ रहा है, तो उसका मान होता है a² + 2ab + b²। तो हम लोग अब लिख सकते हैं कि a² के जगह है cos, क्या है cos, तो लिखेंगे cos²θ + 2ab। तो 2 × a है cos θ × b है sin θ + b², तो sin के जगह है ये सॉरी b के जगह है sin²θ। तो +1 - 1 हो जाएगा -1 बटे cos θ × sin θ हो जाएगा sin θ × cos θ। अब sin × cos ये हो जाएगा कट। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि cos²θ + sin²θ को प्लस करेंगे तो आएगा 1
ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को प्लस करेंगे तो आएगा 1, फिर क्या बचा, 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा कट, कॉस थीटा कट, तो यहाँ पे क्या बचा है, 1 प्लस 2 माइनस 1, तो हो जाएगा आंसर 2 यानी सी। तो शायद बहुतों को समझ में ये नहीं आया कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्यों लिखे हैं। तो सबसे पहले कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 को हम लोग साइन प्लस कॉस स्क्वायर, ये साइन प्लस कॉस स्क्वायर ऐसे लिख सकते थे, साइन प्लस कॉस का स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा करेंगे तो साइन प्लस कॉस का स्क्वायर हो जाएगा यानी ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पॉइंट आप लोग बीच में गुजर सकते हैं, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो इसका आंसर निकला 2 यानी जो ऑप्शन था वो सी सही था। तो ये था 8.4 और नंबर था 4, क्वेश्चन 4। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कर सकते हैं, एंड अगर आप लोग को कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।